उस थर्ड पर्सन को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन तो हजारों लोगों ने देखा, नहीं रहा एपिसोड, अब नहीं आएंगे। इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, एक फ्रेंड जीजा बन चुका है, फिर से एक्सपोज्ड किया है अपनी ही मी को। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कल आप सब लोगों ने होली खूब अच्छे से खेली होगी, क्योंकि 2 साल बाद रंगों का ये त्योहार जो है सब लोगों के मनाने के लिए एक तरह से ओपन हुआ था ना। 2 साल हो गए ना इस बात को कि कोविड की चक्कर में कोई लोग भी त्योहार नहीं मना रहे थे। आई होप आप लोगों ने भी बड़ी सेफ्टी से ये त्योहार जो है अच्छे से खेला होगा रंगों के साथ, है ना। तो चलिए अपनी बात वही है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है रखे थे कल के कम्युनिटी पर पोस्ट पर, है ना जी। तो चलिए करते हैं बात झूठी पर। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दांतों के लिए अगर किसी ने बात की थी या किसी ने कोई मजाक किया था, लेकिन वो ऑफ कैमरा थी बात, है ना, बेस्ट फ्रेंड के दांतों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन झूठी ने ऑन कैमरा ओपनली सब लोगों के सामने जो बात लेके आई है वो झूठी लेके आई है, लेकिन वो थर्ड पर्सन कोई था भी या नहीं ये कोई भी श्योर नहीं है। लेकिन झूठी तो ऑलवेज ही इंसल्ट करती नजर आती है अपनी बेस्ट फ्रेंड की, ऐसा ही दांतों को लेकर इसने इंसल्ट करी है और ओपनली करी है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन झूठी को इंसल्ट करते हुए हजारों लोगों ने देखा, तो किसको समझदार कहा जाए, है ना। वही बात आ गई ना यहाँ पर, तो बेस्ट फ्रेंड भी रोकती टोकती नजर आती हैं, लेकिन ये जो है समझने वाली नहीं है। और एक और बात है जिसके लिए बेस्ट फ्रेंड ने मना भी किया था कि यहाँ पर नहीं बताना सोशल मीडिया पर, लेकिन इसने कहा कि चलिए ठीक है नहीं बताते। साथ ही में इसने स्टार्ट कर दिया कि बेस्ट फ्रेंड भी कभी ना कभी भागी थी। क्या ये सास जो है कभी बहू थी, मतलब सास जो है वो भी कभी ससुर जी के साथ लड़ाई कर कर भागी थी, कहाँ पर CHD आ गई थी वो भाग कर। क्या वाक्य में वो अपना बेस्ट फ्रेंड जो है अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करके आई थी, जहाँ फिर बड़ी बहू के साथ कुछ अनबन हो गई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं चुप रहने को बोला था, इसीलिए कहा था। यही कोई बातें होती हैं, यही कुछ ऐसी बातें ये कर जाती हैं जिस वजह से फिर इसको अपने जितने भी एपिसोड हैं वो हाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो यही वो बातें हैं कि इनका क्या लड़ाकू खानदान है, जहाँ भागने वाला खानदान है कि वो भागते ही नजर आते हैं। और यहाँ पर सब लोगों को ये बताते हुए कहना और लिखना कि चैनल जो है वो नहीं रहा, एपिसोड अब नहीं आएंगे, चैनल खत्म हो गया, लेकिन अंधभक्त जो है वहीं पे बैठे हुए लिख रहे हैं इस बात को कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अरे भाई, वो तो खुद कहती है मैं अपने एपिसोड डेली अपलोड करूंगी, लेकिन अंधभक्त ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए अगर वाकई में डिलीट हो गया है तो आप हमारे सामने तिकड़म लड़ाती हुई कैसे आ रही हो। ये सिर्फ पजल कर रही हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, अपने अंधभक्तों को भी गेम खेल रही हैं, उनकी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है इनको देखने की। लेकिन चिल्ला चिल्ला के चिल्ला बनाना ये बिल्कुल नहीं भूलती हैं, आप लोगों को पता है चिल्ला चिल्ला के चिल्ला ही क्यों बनाती हैं, बिकॉज कुछ नहीं करना, बेसन में पानी डालना है, थोड़ा धनिया मिर्च ये सब चीज़ें डाली हैं, घोली हैं, तवे पे फैला दी हैं, पका ली हैं और खा ली हैं, जल्दी जल्दी खाना निपटेगा, तभी तो कड़ी धूप में दोपहर में शिखर दोपहर में जब लोग आराम कर रहे होते हैं, जब ये रील बना रही होती हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, बताइए उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड को साथ लेके जाना क्या वाकई में ठीक है इतनी कड़ी धूप में। खुद मतलब आपकी एज में और उनकी एज में आप फर्क देखिए, क्या वो धूप सहन कर सकते हैं। तो ये वो बात है। और तीसरी बात ये भी यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये जीरो ऑयल कुकिंग क्यों होती है। जीरो ऑयल कुकिंग इसलिए होती है, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग मसाला भूनते हैं तो उसको जब तक भूनते हैं 10-15-20 मिनट का टाइम लेता है मसाला, जब हम लोग उसको अच्छे से भून नहीं लेते हैं जब तक कि वो ऑयल जो है हम लोगों को अलग नज़र नहीं आ जाता है मसाले में से। जैसे कहते हैं ना अब तेल छोड़ दिया है मसाले ने तो अब हम लोग इसमें सब्जी ऐड करेंगे, है ना जी।
तो ये इसलिए ऑयल यूज नहीं करती है कि 15-20 या 25 मिनट के लिए कौन वेट करे, क्योंकि इसमें पेशेंस नहीं है। ऐसा खुद बेस्ट फ्रेंड का भी कहना है कि जल्दबाजी जे हर बात में, हर चीज में, इवन खाने में भी इसकी जल्दबाजी ही रहती है, इसलिए टेस्ट नहीं है। तो दो परांठों के इंतजार में टिकी रहती हैं बेस्ट फ्रेंड और पूरा दिन इसकी तिकड़म में देती हैं साथ, और फिर शाम को जाकर उसको दो परांठे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइल्ड वॉक है उसके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ, ये कितना भी सबको पजल कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों वो सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 3-4 किलोमीटर की ना वॉक कर लेती थी अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन अचानक से ही मेरे पैर जो हैं वो सुन्न होने लग गए और घुटने जो हैं वो टक टक होने लग गए। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको प्रॉब्लम है, आप में कैल्शियम बहुत कम है, या फिर जो भी और भी प्रॉब्लम्स निकली थी, आपको सिर्फ 15 मिनट की माइल्ड वॉक करनी है। तो वही चीज़ है, अब इनके जो कट कट टक टक ठक ठक होने लग गई है ना, तो अब इसको भी डॉक्टर ने कह दिया होगा, जहाँ फिर आप लोगों को पता है ये तो है ही सोशल मीडिया पर, यहाँ से भी इसने सर्च कर लिया होगा। तो यही वो बात है, इसलिए माइल्ड वॉक है, लेकिन लोगों को फिर से एक बार कंफ्यूज करना जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डॉलर्स बहुत कम होने लगे हैं, उसकी वजह कुछ और है, क्यों कम हो रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इनको अपने पुराने एपिसोड देखने चाहिए थे कि लोगों ने एक्चुअली में इनको क्यों पसंद किया था, है ना। लेकिन ये तिकड़मे लड़ाने में, अलग अलग तरह के ऐसे टाइटल डालने में बहुत ही बिलीव कर रही हैं, अब खुद के ही स्पून जो हैं इनको खुद ही छोड़ के जाने लगे हैं, और इवन लिख के जाते हैं कि हम तुम्हें क्यों अनसब कर रहे हैं, ऐसा वो लिख के जाते हैं। तो यही वो बातें हैं, इनको अपने पुराने एपिसोड से देखना और सीखना और समझना चाहिए कि एक्चुअली में इनके जो ऑडियंस है इनके साथ कैसे जुड़ी थी और उनको क्या चीज़ें पसंद आई थी। इनको वापस फिर वैसे ही अपने पुराने दिनों में चले जाना चाहिए, उसकी तो शुरुआत कर भी दी है झूठी ने, है ना जी। लेकिन अब बात करते हैं पुत्तन से पहले बत्ती के ऊपर। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे तो यहाँ पर ये है, हमारे नहीं बहुतों घरों में ये होगा कि अगर आपके फ्रेंड हैं, यानी कि लड़कों के जो फ्रेंड है, यारी दोस्ती जो है, वो गेट के बाहर है, यहाँ पर आपको पता लगता है कि एक्चुअली में फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा है। यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल जहाँ पे आपका फैमिली फ्रेंड्स कोई है, तो आप उनके घर जाते आते हो, आपको पता है उनके घर का माहौल अच्छा है, तो आप उनको अपने घर आने दोगे, क्योंकि घर जो है आपके बहन और बेटियां हैं, कहना है बहुओं वाला है, तो आपको जो है यारी दोस्ती लड़कों की वो गेट से बाहर ही होनी चाहिए। ऐसा हमारे घर के बड़े बूढ़े भी कहते थे, तो मेरे जो भाई थे उनके फ्रेंड जो है घर नहीं आते थे, मेरे जो परिवार के लोग हैं मेरे मायके में, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो हमारे ताऊ जी के लड़कों को यही इंस्ट्रक्शन थी कि यारी दोस्ती गेट के बाहर, लड़कियों का बहुओं वाला, लड़कियों बहुओं वाला हमारा घर है, लड़के यहाँ नहीं आने चाहिए, ये चीज़ें थी, है ना। पहले जमाने में होती भी होंगी, लेकिन यहाँ पर जो अभी सीन हुआ है, सब लोगों ने वो चीज़ें नोटिस भी की हैं, इवन लोगों ने इनको लिखी भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ें जो है अब रिमूव हो रही हैं। तो आप लोगों ने भी देखा है, जब पुत्तन जो है वो चाय पकड़ा रही थी, तो वो जो तकनी थी, वो देखने का वो जो अंदाज था लड़के का, वो जो पास में ही बैठा था जानी की बत्ती का फ्रेंड, तो वो अच्छा नहीं था। एक फ्रेंड जीजा बन चुका है, आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी इसने कोई एक्शन नहीं लिया, जहाँ उन लोगों ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ये लोग कहाँ से कितने अच्छे हैं सब लोगों को पता है। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि बत्ती ने एक बार फिर से एक्सपोज्ड किया है अपनी ही मी को, वैसा ही एक्सपोज्ड किया है जैसा कि करा था जूटी ने, जब मी जो है पुत्तन के घर ऐसे फैल के सोई हुई थी, लेकिन अभी जो है वो अपने ही घर में थी, लेकिन आपके घर में आपके पैरों के पास में करके कोई बैठा हुआ है, वो भी बाहर का आदमी, बाहर का कोई आया हुआ है गेस्ट, तो आपको पहले से ही नहीं पता कि आप उठ के बैठो, तो वो इशारा जो है पुत्तन करती नजर आई कि एटलीस्ट मम्मी तमीज से आप बैठ तो जाओ, इशारे में उसने ये बोला, जबान से नहीं, उसने इशारे में बोला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने घर में प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही अपनी मी को इशारे करके उसने बोला था कि मम्मी प्लीज़ इशारे मत करो। ठीक है, वो चीज़ें मैंने नोट करी थी, इवन मेरे एपिसोड में भी मैंने बोली थी, है ना जी। तो यहाँ पर पुत्तन का जो थोड़ा असर मुझे नज़र आया, वो उसके इन लॉज का नज़र आया कि वो काफ़ी इज्जतदार समझदार लोग हैं, तो पुत्तन वहाँ पे जितने दिन भी रही हैं थोड़ी बहुत तो सीख रही हैं, लेकिन
डिसिप्लिन में रही है, वहाँ पे अच्छे तरीके से रही है, अच्छा माहौल था वहाँ का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना पुतन को ना पसंद है और शायद उनको भी ना पसंद है, इसलिए ये पुतन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं या एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। वो इन फैमिलीज ने करवाना था, लेकिन इनकी जो मी है वो अपनी ही सहूलियत को देखती हुई नज़र आई हैं और पुतन को अभी तक घर वापसी का कोई भी रास्ता नज़र नहीं दिखाया जाने की डीजे मी ने, है ना जी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि बत्ती बदतमीज ने खोली है पोल। जैसा कि परसों के यानी कि 2 दिन पहले के मेरे वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एज डिफरेंस, तो यहाँ पर तो बत्ती ने ही खोल दी पोल, उसी ने कर दी सबकी हेल्प। आप लोगों को पता है कि जब वो 27 का है तो फिर झूठी जो है वो 30 की कैसे हुई। अब झूठी जो है वो जहाँ तो आने वाली है जल्दी ही, तो आके जो हाल करने वाली है ना बत्ती का, बत्ती तो वो सोच भी नहीं सकता है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों की राय है कि जैसा कि कैंपस के अंदर इसका शूट करना है, शायद उस वजह से जो झूठी है उसको अपने जितने भी एपिसोड हैं वो अनलिस्ट करने पड़े हैं या प्राइवेट करने पड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ चांदपुर के अंदर जो मतलब कैंपस है उसके अंदर के कितने ज़्यादा एपिसोड है हम लोगों के साथ शेयर हो चुके, झूठी के नहीं कहीं कहीं और के भी, ठीक है जी। होली सेलिब्रेशन बहुत बहुत अच्छी हुई है वहाँ पे, तो वो भी एपिसोड जो है वहाँ के स्टूडेंट ने बनाए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, है ना। तो यही थी वो बात। और मैं यहाँ पर मैंने ना क्वेश्चन छोड़ा था कि देखिए जो आजकल सेना है वो नजर नहीं आ रही है, तो जब झूठी आती है जब वो सेना भी आती है, लेकिन नहीं आती है तो पुत्र जब होती है जब वो सेना नहीं आती है, क्या पुत्र जो है वो बाहुबली है, वो 10-50 लोगों का काम अकेले ही कर देती है। जब झूठी आती है उसके लिए ये घर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जो पुत्र है उसके लिए घर बिल्कुल इतना सा माचिस की डिब्बी जितना हो जाता है। सारे काम नजर आती है पुत्र करती हुई, है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको, है ना, लेकिन वहाँ जरा से घर में तीन मेंबर जो हैं वो काम करते थे, मिल बांट के करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पुत्र है उसको बार बार अपने मुंह से ये बात रिपीट करनी पड़ती है कि मिल बांट के काम कर लेते हैं, मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सबने देखी हैं कि सारा दिन तुम रहती हो तो काम क्या तुम करती नहीं हो, है ना। तो और मैं आप लोगों को ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सेना का अभी नहीं आना तो उसकी वजह यही तो नहीं है कि सेना ने भी अपने एपिसोड बनाने शुरू कर दिए हों। मैंने कल भी कम्युनिटी पर ये शेयर किया है कि उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, जो आजकल के लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो पसंद करते हैं गांव देहात के ही ऐसे सीरियल्स देखना, गांव देहात को ही एक्सप्लोर जो करते हैं व्लॉगर, उनका मतलब व्लॉग देखना वही आजकल हिट है, गाय भैंसों के हिट हैं, देखा आगे ना उसी बात पर। लेकिन यहाँ पर जो गाय हैं वो है चोरी की गायें हैं जी, बिल्कुल। जिसने भी वो आंसर सही दिया था मैंने उनका कमेंट जो है पिन कर दिया है पोस्ट पर। तो जी मैं बताना चाहती हूँ गाय चोरी की, आगे फिर उसके बछड़ा जो भी हुआ है वो भी हुआ है, तो उनके पास तो कंटेंट ही बहुत अच्छा है, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही गरीब भी हैं, लेकिन जहाँ पर झूठी जो है उसको वो यूज़ करना पड़ता है टैग गरीब का, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में सच्ची में वो गरीब भी हैं। तो वही बातें हैं ना भाई, उनके पास तो बहुत अच्छा कंटेंट है और उनके पास तो अपनी खुद की सेना है जिसके ऊपर वो अच्छे अच्छे एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा हाइड कर दिया गया, दिखाया नहीं जा रहा। उसकी वजह यही है कि फेस वैल्यू ना बन जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी जो है या बत्ती जो है, इन लोगों का कहना है कि फेस वैल्यू ना बन जाए उसकी उसकी उसकी, लेकिन यहाँ तो एक्चुअली में फेस दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है गाँव भर में इन लोगों ने, ठीक है जी। और वही चीज़ें हैं कि मनहूसियत भरी बातें ये जब भी करती थी, मनहूसियत भरी बातें ये अभी भी करती हैं। आज जो अपने ओल्ड एपिसोड जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करती नज़र आई हैं, उसमें आप लोगों ने देखा है कि ये अभी भी दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करती नज़र आई हैं कि किसकी वजह से किसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि मोटिविटिया का। यहाँ पर जो भी है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, यहाँ पर जो भी राइटर है लिखने वाला, राइटर है लिखने वाली, वो है मोटिविटिया, है ना जी। तो मोटिविटिया भी हो सकती है गुस्से में, डिप्रेशन में उस टाइम पे कि आप ब्लेम कर रही हो दूसरे के ऊपर, लेकिन मोटिविटिया भी हो सकती है
कि उसमें गलती मोटू बिटिया की भी रही हो। जब तुम रात में भाग गए, सारी रात वो नहीं सोई, मोटू बिटिया परेशान रही है, उस परेशानी में स्कूटी पे वो गई है, तो हो सकता है उसका इस वजह से भी एक्सीडेंट हो गया हो, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से डिप्रेस हो। तुमने अच्छे खासे बड़े से बड़े लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर सबके सामने गलत मैसेज देते हुए हमेशा की तरह आज भी नज़र आते हैं, लेकिन मनहूस जो है एक्चुअली में इन्हीं की तरफ से है, लेकिन टाइटल गेम जो है वो जीजा साली ये दोनों खेल रहे हैं, यानी कि अक्कू जीजा और ये झूठी, और उसमें साथ अब जो है पुतन भी दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके भी सब चेंज हो गए हैं, लेकिन इनके स्पून जो है वो हमें कहने आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनके स्पून अब कुछ भी कहें या नहीं भी कहें, लेकिन अब जो है वो हमसे एग्री कर रहे हैं, हमारी बातों से एग्री कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये पजल गेम खेलती है, पजल करती है अपने ही ऑडियंस को। ठीक है जी, जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है, फेसबुक पर मेरा पेज बना हुआ डिंपल व्लॉग्स के नाम से, आप फॉलो कर सकते हो। और सेकंड जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर। जो भी कमेंट्स आपके रहेंगे वो कमेंट्स आप मुझे पोस्ट पर शेयर करोगे जो कि लेटेस्ट पोस्ट होगी उसके ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पर ही आधारित एक वीडियो लेके आना चाहती हूँ कि मेरी ओपिनियन के साथ आपकी ओपिनियन पर ही क्रिएट होगा कल का वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।